हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिमाग फुटबॉल किक्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं केरला ब्लास्टर एफसी की प्लेइंग 11 की। उनका 6 फॉरेन प्लेयर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, पता नहीं कौन होने वाला है, र्यूमर्स चल रहे हैं, हम इंतजार नहीं कर सकते, इसीलिए हम जितने भी प्लेयर्स हैं उनको इंक्लूड करके एक प्रेडिक्शन तैयार किया हमने कि केरला ब्लास्टर एफसी की द बेस्ट पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या हो सकती है द आईएसएल 2022 एंड 23 के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। आपको लेफ्ट साइड की स्क्रीन में आपको दिख जाएगी पूरी की पूरी प्लेइंग 11। तो हम बात करते हैं प्लेयर्स के ऊपर। तो मैंने गोलकीपर के रूप में सबसे पहले लिया है प्रभशुकन गिल को, एंड उनके लिए दो वॉल मैंने तैयार की है, लिस्कोबिक एंड हॉर्मीबम। और राइट बैक और लेफ्ट बैक के रूप में मैंने लिया जेसल कार्नियरो एंड निशु कुमार। निशु कुमार को पिछले साल कुछ मौका नहीं मिला था ज्यादा, फिर भी उन्होंने प्लेऑफ में काफी अच्छे परफॉर्मेंस दी थी, फाइनल में काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, सेमीफाइनल में काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। जेसल कार्नियरो बीच में इंजर्ड हो गए थे लेकिन अभी फुल्ली फिट है, तो मैं उन्हीं को ही लूंगा क्योंकि मुझे बेस्ट लगते हैं, एक कैप्टन है और अपनी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटियां अच्छे से निभाते हैं। तो मैंने अब मिडफील्ड की बात कर लेते हैं। तो मैंने लिया है जिक्सन सिंह को क्योंकि पिछले साल उन्होंने जब उन्हें जरूरत थी टीम को गोल की तो गोल भी किया, जब टीम को जरूरत थी डिफेंस की तो उन्होंने डिफेंस भी किया, तो इसीलिए मैं उनको मिडफील्ड में ले रहा हूँ। और उनके साथ सामने सपोर्ट के लिए मैं ले रहा हूँ एड्रियन लूना दी मैजिशियन, एंड उनके साथ मैं दी मैजिशियन सहल अब्दुल समद। दोनों ही बहुत ही परफेक्ट कॉम्बो हैं, इस आईएसएल के मुझे सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन लगते हैं। पहले लगते थे जमशेदपुर के ग्रेग स्टीवर्ट लगते थे लेकिन उनके साथ में कोई कॉम्बिनेशन नहीं था, लेकिन ये दोनों मुझे काफी बेहतरीन कॉम्बिनेशन लगते हैं केरला ब्लास्टर एफसी के पूरे आईएसएल टीम में। अब हम बात कर लेते हैं राइट विंग एंड लेफ्ट विंग की। राइट विंग पर मैंने रखा है मेरे फेवरेट राहुल केपी, बहुत ही ज्यादा स्पीड है और भाई साहब फाइनल लगभग जिता ही दिया था इन्होंने, लेकिन पता नहीं कैसे लास्ट मोमेंट पर हैदराबाद एफसी के साहिल टोवेरा का गोल आ गया, पता नहीं क्या हुआ, क्या मुझे समझ में ही नहीं आया, लेकिन इन्होंने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, इंजर्ड थे, फाइनल में बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस लेकर आए, अपनी टीम को बस जीत की कगार पर पहुंचा ही दिया था, तो मैंने इनको राइट विंग पर लिया है। लेफ्ट विंग पर मैंने लिया ब्रिस मिरांडा को जो कि इनकी न्यू साइनिंग है, आप कुछ भी रख सकते हैं, मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उनको ले सकता हूँ, तो इसीलिए मैंने ब्रिस मिरांडा को लिया है। बढ़िया प्लेयर है, आप देख सकते हैं यूट्यूब कहीं पर भी जाके वीडियो इनकी चेक कर सकते हैं डिटेल्स वगैरह। और मैंने फॉरवर्ड पे रखा है दी इनके एशियन प्लेयर हैं, ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं एपोस्टोलो जिनो, तो मैं इन्हीं को ही रखना चाहूंगा अभी फिलहाल के लिए। इनके पास फॉरवर्ड में काफी अच्छे प्लेयर भी हैं, तो मैं एक फॉरेन प्लेयर को फॉरवर्ड में रखना चाहूंगा। और आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें हमारी अगली वीडियो के लिए। और आपको पूरी की पूरी प्लेइंग 11 हमारे लेफ्ट कॉर्नर में दिख रही होगी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, बात करते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।